आइए बच्चों, थेल्स थ्योरम का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम हम यहाँ पर पढ़ेंगे। विलोम क्या है? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब यह है कि जैसे ये त्रिभुज आपके पास है और यहाँ पर कोई भी भुजा हो, चाहे इनको काटे, चाहे इनको काटे या इन दोनों को काटे, और वो इस तरह से काटती है कि उनका अनुपात पहले से बराबर है। थेल्स थ्योरम में हमने इसका अनुपात बराबर सिद्ध किया था। यहाँ पर पहले से ये बराबर है और ये समांतर नहीं है, ये पहले से पता है, लेकिन ये सिद्ध करना है कि समांतर है। तो समांतर सिद्ध करने के लिए अनुपात बराबर है, यही हमें सिद्ध करना है। तो चलिए क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में आपने पढ़ लिया कि अगर किसी त्रिभुज की एक यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसमें दिया क्या है? त्रिभुज एबीसी में रेखा, इसका नाम डाल दो एल, भुजा एबी एवं एसी को समान अनुपात में विभाजित करती है, विभाजित करती है। कहने का मतलब हो गया ए पी बटा पी बी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी। ये आपको दिया है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि पी क्यू समांतर बी सी, ये सिद्ध करना है। मतलब एल जो है यहाँ पे पी और क्यू पर काटती है, तो हमें पी क्यू को बी सी के समांतर सिद्ध करना है। रचना, एक दूसरी रेखा खींच लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं, एक दूसरी रेखा पी आर खींचा, तथा माना, बस इतने खींचा। अब उपपत्ति में आ जाओ, मान लेते हैं कि पी क्यू पी आर हमारी बी सी के समांतर नहीं, हमने पी क्यू को मान लिया कि माना पी आर समांतर बी सी। मानने में क्या जाता है? मानने को तो कुछ भी माना जा सकता है, तो हमने पी आर को मान लिया कि बी सी के समांतर है। और हमने 6.1 थ्योरम में ये पढ़ा था कि अगर कोई रेखा समांतर है एक भुजा किसी भुजा के समांतर है तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। तो यहाँ थेल्स प्रमेय के द्वारा इतना अपान इतना इक्वल टू इतना अपान इतना हो जाएगा। अतः थेल्स प्रमेय द्वारा ये प्रमेय हो जाएगी, तो ए पी बटा पी बी बराबर ए आर बटा आर सी, ये इसका अनुपात बराबर होगा। परंतु ए पी बटा पी बी इजकल टू ए क्यू बटा क्यू सी, ये पहले से दिया है, ठीक है, ये पहले से दिया है कि इतना बटा इतना बराबर इतना बड़ा। अब यहाँ पर ये देखिए, ये नंबर दो है, एक तथा दो से दो की तुलना करने पर भाई ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये हो जाएगा ए आर बटा आर सी इजल टू ए क्यू बटा क्यू सी। उस हिसाब से ए आर बटा आर सी बराबर होना चाहिए ए क्यू बटा क्यू सी की, क्योंकि ये इतना इसके बराबर है और ये इतना इतना अपन इतना पहले से गिवन है। तो हमने इसको तो प्रूव किया अपनी तरफ से थेल्स के अकॉर्डिंग, और ये ऑलरेडी गिवन है, लेकिन दोनों ये सेम है, तो इसलिए हमने जो तुलना किया तो ये इसके बराबर हो गया, लिख दिया। लेकिन अब ये इसके बराबर कहाँ हो सकता है? ऐसा तो संभव है नहीं, हमारा ए आर ए क्यू के बराबर तो हो नहीं सकता कभी भी। ये तभी संभव होगा, या तो क्यू आर पे चला जाए या तो आर क्यू पे आ जाए। परंतु ये तभी संभव है
जब R एवं Q कोइंसाइड हो जाए, संपाती हो जाए, मतलब संपाती हो जाए, मतलब या तो सी आर क्यू पे आ जाए और या तो क्यू आर पे जाए, तभी यह संभव होगा। मतलब अगर यहाँ आ जाए तो ए आर, बट मतलब दोनों यहाँ पे अगर आ जाएगा तो ए आर और ए क्यू एक ही हो जाएगा। तो ये तभी संभव है जब आर एवं क्यू संपाती होंगी, और ये संभव है नहीं, परंतु ये संभव है। लेकिन ये असंभव है आता, मतलब ये पी क्यू ही समांतर है, पी क्यू समांतर बी सी, हेंस प्रूव्ड। बस यही सिद्ध करना था। तो मतलब ये संभव नहीं।